Hi guys, welcome back to my channel. So I'm back with another video and again मैं अल्बानिक हॉल कर रही हूँ. So इसमें जो stuff मैंने इस बार include किया है वो मैंने एक dress और एक bathrobe भी किया है और बहुत सारे tops हैं, phone case है और एक bag भी है. तो थोड़ा सा mix-up वाला ये हॉल है एंड आप मुझे Instagram पे follow कर सकते हैं, मैंने mention कर दिया है. So without any further ado, let's get into the video. So start कर लेते हैं एंड ये वाली जो ड्रेस है आपने पहले भी देखी होगी अल्बानिक के हॉल में, तो ये मैंने अर्बैनिक से परचेज की थी जिसका प्राइस अराउंड 1900 समथिंग में कुछ होगा. और इसके साथ में ग्लव्स भी आते हैं, अगर आपको ग्लव्स वेयर करने हैं तो आप वैसे भी वेयर कर सकते हो. और ये पफ स्लीव्स भी आपको डिटैचेबल मिल जाती है, तो आप इन्हें हटा भी सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो, एज अ ट्यूब इसको वेयर कर सकते हो ड्रेस को. ठीक है, थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो सकती है तो आप यूज कर सकते हो फैब्रिक टेप. और ये थोड़ी सी शॉर्ट में आने वाली है, अगर आपको शॉर्ट नहीं पसंद तो मत परचेज करना. हाँ, ये डिटेल्स थी. और ये चॉकर भी मैंने अर्बैनिक से परचेज किया जिसके साथ में पैर में इयररिंग्स आए थे और एक ब्रेसलेट आया था, वो मैंने वेयर नहीं किया. मुझे ये ज़्यादा पसंद आता है इसलिए मैं ये वेयर कर लेती हूँ, फिर से ना अच्छा लगता है. तो स्टार्ट कर लेते हैं. तो फर्स्ट मैं आपको दिखा देती हूँ. हाँ ठीक है, मैं पहले फ़ोन केस दिखाती हूँ. तो मैं अपने हर हॉल में ना, मैं अब सोच रही हूँ कि एक मेरा फ़ोन केस अलग अलग मैं रखूँ, क्योंकि मुझे ना फ़ोन केस बहुत ज़्यादा पसंद है. और इस बार जो मैंने परचेस किया है, उप्स वो गिर गया, कोई बात नहीं. तो इस बार जो मैंने परचेस किया वो ये वाला है और ये आपको बहुत सारे शेड्स में मिल जाएगा. इसमें जो मेरे पास शेड है वो लेवेंडर प्लस ब्लू में है. आउटलाइन जो की हुई है इसकी, ये ब्लू में की हुई है. और ये मैंने इसलिए मंगवाया क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो जो फ़ोन के लेंसेज है ना उनके लिए बहुत ज़्यादा सही चीज़ है ये वाली, बहुत प्रोटेक्ट करेगी ये. एंड अंदर से भी ना इसका थोड़ा सा अलग से दी हुई है, देखो साइड में. तो और ये वाला चीज़ मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि ये गैप सा क्यों दिया हुआ है इसमें, और लगाने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा था ये. तो सिलिकन में है पूरा और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट भी है, ऐसा हार्ड वाला नहीं है. तो ट्राई कर सकते हो, बहुत सारे शेड्स थे. तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आऊंगी उसमें भी आपको फोन केस तो मिलेगा ही. मतलब मैं आप सोच रही हूँ कि हर वीडियो में मैं अपना एक फ़ोन केस आपके साथ शेयर करूँ. ठीक है, तो ये फर्स्ट था. सो बात कर लेते हैं सेकंड. तो ये वाला बैग आपने पहले मैंने हॉल्स डाले थे उसमें देखा होगा, ये वाला बैग जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था. धीरे धीरे अपनी सारा जो स्टफ है ना वो आपके लिए रिव्यू तो करती हूँ, पर जो मुझे अच्छा लगता है या फिर मेरा कभी कभी बजट नहीं हो पाता है जिस परचेज करने का, तो मैं उन्हें रिटर्न कर देती हूँ. देन नेक्स्ट मैं उनको वापस से परचेज कर लेती हूँ. जैसे कि ये वाला बैग, बहुत सारा स्टफ ऐसा है कि मैंने बहुत पहले भी रिव्यू किया था उनको, मैंने मंगवा के वापस से ट्राई किया है. तो हाँ, मैं स्टफ रिटर्न करती हूँ क्योंकि बट ये वाला जो पूरा स्टफ है ना और जो इस वाले हॉल में था बहुत सारा मैं रखती हूँ, क्योंकि हर बार हम रिटर्न नहीं कर सकते हैं. और काफ़ी स्टफ अर्बैनिक का तो मुझे सच बताऊँ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत रेयर करती हूँ मैं अर्बैनिक का रिटर्न, आपने देखा भी होगा. बट हाँ ठीक है, तो इस बैग की बात कर लेते हैं. यार ये बहुत अफोर्डेबल है और ये वेस्ट बैग शोल्डर बैग जिस तरह आप इसको यूज़ करना चाहें आप कर सकते हो. और इसमें यहाँ पर आपको एक ये पता नहीं क्या बोलते हैं इसको ऐसे बंद भी कर सकते हो, ओपन भी कर सकते हो और क्लोज भी ऐसे कर सकते हो. एंड इसमें जो स्ट्रैप्स है वो एडजस्टेबल है, ये बहुत अच्छी चीज़ है. इसमें देखो कितने ज़्यादा लॉन्ग में है ये, आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हो किसी भी तरह. एंड इसमें आपको दो पॉकेट्स मिल जाती हैं, वेट हाँ दो पॉकेट्स मिल जाती हैं फ्रंट में. मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, लेकिन हाँ अपने कैरी कर सकते हो लिपस्टिक्स, जो भी छोटा मोटा आइटम है, कीज़ और कॉइन्स. देखो उसमें दो जिप दी हुई है, पहली तो ये फर्स्ट वाली तो ये वाली है. ठीक है, इसमें अपना फ़ोन वगैरह कैरी कर सकते हो काफ़ी अच्छे से आ जाएगा, बहुत ज़्यादा स्पेस है. और छोटी मोटी चीज़ आप इसमें कैरी कर सकते हो, जो क्योंकि मुझे ना ऐसे बैग्स बहुत ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा कैरी करना मुझे अच्छा नहीं लगता, आप ये बोल सकते हो. तो फर्स्ट मेरा सेकेंड मेरा आइटम ये था. सो बात करते हैं अब टॉप की. तो मेरे पास कमेंट में एक बार आया था कि अर्बैनिक के अफोर्डेबल टॉप्स करो, तो ये सारे जो टॉप्स है वो आपको काफ़ी अफोर्डेबल मिल जाएंगे. 300 तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो ज़रूर मैं लेके आऊँगी 200 समथिंग का, मैंने कुछ स्टॉप देखा था. और एक चीज़ मैं ये बता दूँ कि अगर आप अर्बैनिक पे देख रहे हो तो आपको जो क्रॉप टॉप है, मतलब जो आप सोच रहे हो कि 300 या 400 में मिल जाए, तो वो आपको फुल स्लीव्स में नहीं मिलेंगे, वो आपको ना ये ऐसे छोटे वाले क्रॉप टॉप्स ही मिलेंगे. तो अगर आपको इस तरह के क्रॉप टॉप्स चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं और भी अच्छा नेक्स्ट हॉल लेके आऊँगी. सो बात कर लेते हैं पहले इसकी. तो सो फर्स्ट टॉप जो है वो ये वाइट कलर में है और ये बहुत ज़्यादा सुंदर टॉप है, मतलब बहुत क्यूट सा है और इसका फैब्रिक भी बहुत ज़्यादा ब्रीथेबल है. वाइट कलर के शेड में बहुत सारे कलर शेड्स मिल जाएंगे. इसी शेड में मैंने एक और मंगवाया है, ब्राउन शेड जो है वो यही वाला है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था इसका. ये फ्रंट में अगर आप देखोगे ना, ये कर्व वाला जो इसका
पैटर्न है ये, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था, बहुत प्रेटी सा इसका लुक आ रहा था और ये काफी ज्यादा क्यूट है। बैक से अगर आप देखोगे तो इसमें सैंडो वाला कुछ लुक आ जाएगा। तो इस तरह के टॉप्स ना मुझे काफी ज्यादा पसंद है। अगर आपको भी पसंद है क्रॉप टॉप इस तरह के, और अगर आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं फील होता, तो आप अलग से ना इसमें वेयर कर सकते हो, ऊपर से कोई भी लेयर करके शर्ट कर सकते हो, ट्रांसपेरेंट वाली कोई भी, जैसे भी आपको सूट करती है। बट मैं सच बताऊं तो मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगे, और फैब्रिक की क्वालिटी तो A1 है। पूरा जो फैब्रिक है वो आपको कॉटन वाइज फैब्रिक मिल जाएगा और फिटेड है सब में। मेरा साइज स्मॉल है सब में, ठीक है। एक जो लास्ट वाला होगा ये ब्राउन वाला, इसमें फ्री साइज है, बाकी सब में मेरा स्मॉल साइज है। ट्राई ऑन्स आपको दिख जाएंगे साइड में। सो बात करते हैं नेक्स्ट, जो मैंने बोला सेम फैब्रिक है और इसका कलर शेड बस डिफरेंट है, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था इसलिए मैंने दो ले लिए। आई नो लेने नहीं चाहिए थे, बट मुझे ना बहुत सारे ऐसे टॉप्स चाहिए थे जो मैं ना मतलब कुछ समझ नहीं आया ना क्या पहनूं, तो मैं यही पहन के निकल जाऊं, तो इस वजह से मैंने ये लिए हैं। काफ़ी क्यूट टॉप है और फैब्रिक की क्वालिटी तो बहुत ही ज़्यादा ऑसम है, आपको दिख रही होगी, बहुत ज़्यादा सेक्सी टॉप लगे थे। और ना इनको आप जीन्स के साथ, शॉर्ट्स के साथ, स्कर्ट्स के साथ किसी के साथ भी वेयर करके आप इन्हें पेयर कर सकते हो। ब्राउन शेड है, हर किसी पर चल जाएगा, ब्राउन शेड आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, सो इस वजह से मैंने ये वाला परचेस किया है। सो बात करते हैं नेक्स्ट टॉप की, तो नेक्स्ट टॉप जो है वो भी ब्लैक शेड में है, और पता नहीं क्या है, हाँ इस टॉप का मुझे समझ नहीं आ रहा, बट मैं अगर आपको फ्रंट से दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से राउंड नेक में मिल जाता है। मुझे थोड़ा सा ये सी थ्रू लग रहा है, ऑब्वियसली सी थ्रू है ये, और ये बहुत ज्यादा क्रॉप में आया है, बट जो इसकी फिटिंग आई है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी आएगी। और एक चीज मैं ये बता दूं कि मैंने ना इनके नीचे पैर करने के लिए, अगर आपने मेरा मीशो हॉल दिखा हो तो मैंने उसमें इनर्स मंगवाई थी, और अगर आप भी मेरी बॉडी से रिलेट करते हो, हैवी ब्रेस्ट अगर आपके आपके भी हैं, तो आप प्लीज उन इनर्स को ट्राई करना, क्योंकि आपको ना वो वेयर करने के बाद में ना आपको कोई भी अलग से उनके अंदर ब्रा यूज करने की जरूरत नहीं है, वो बहुत सपोर्टेबल है सच में। ट्रस्ट मी, मेरे को खुद को भी यकीन नहीं होता कि मैंने वो 300 समथिंग में परचेस की है, और वो मैं इनके नीचे वेयर करूंगी, जिससे कि क्या है कि ये जो एरिया है ये सारा कवर हो जाए, अच्छा सा लुक भी आए ब्रालेट वाला। बट वो बहुत सिंपल में है, पैडेड है और बहुत सेक्सी उसका लुक आता है। ट्रस्ट मी, एक बार ट्राई करके देखना, आपको जरूर पसंद आएगी। वो 300 में दो मिल रही है यार, परचेस करके देखो एक बार। बट हाँ, डेली बेसिस पे मैं रिकमेंड नहीं करूंगी, अगर आप कुछ इस तरह के टॉप्स वगैरह वेयर कर रहे हो तो वो जरूर वेयर करना, नहीं तो डेली बेसिस पे मैं जैसे हमेशा बताती हूँ आप कॉटन का ही यूज करो जितना हो सकता है। तो ब्लैक वाला भी काफी अच्छा है, स्मॉल मेरे साइजेस में, अगेन बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे, ट्राई करके देख लेना, ट्रायल में दिख जाएगा आपको कैसा लग रहा है ये। सो बात करते हैं नेक्स्ट टॉप की, ये वाला इसका जो लुक है 400 के अंडर में है, 499 के अंदर भी बोल सकते हो, 450 लास्ट जो इनका ओरिजिनल प्राइस है, और मैं अपना कोड मेंशन कर दूंगी। हाँ, आप मेरा अरबानी का कोड यूज कर सकते हो, यहाँ पर आपको स्क्रीन पे कहीं ना कहीं दिख जाएगा, मैं स्टार्टिंग से उसको टैग कर दूंगी तो आपको दिख जाएगा। 490 है, डिस्काउंट लगाओगे तो बहुत सही मिल जाएगा, अराउंड 390 इतना मिल सकता है आपको ये। सो ये वाला टॉप भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था। एक तो मैंने इसका शेड ना ब्लू ले लिया, क्योंकि मेरे पास ब्लू में ऐसा कुछ इतना ज्यादा वाइब्रेंट कलर नहीं है, बट मुझे इसका ना ये वाला पैटर्न बहुत अच्छा लगा था। ये जो इसमें जो ड्रॉप वाला बनाया हुआ है ना, ये ना थोड़ा सा स्ट्रेच होकर काफी बड़ा सा लुक बन जाएगा, तो यहाँ से काफी अच्छा आएगा। और इसमें मैंने एक ना देखा था, एक ऑलरेडी किसी ने इस पर पिक्चर ऐड की हुई थी अपनी, तो मैंने देखा था तो मुझे बहुत सही लगा, मैंने सोचा कि एक बार ट्राई कर लेती हूँ। और मैंने बाकी कलर्स लाइक व्हाइट, ब्लैक, ब्राउन, रेड सब मंगा लिए, तो मैंने सोचा कि ब्लू ट्राई कर लेते हैं क्या जाता है, देखते हैं कैसा आता है। बट क्वालिटी बहुत ऑसम है, आपको खुद को पता है कि अरबानी की जो क्लोथिंग की अरबानी की क्लोथिंग की जो आती है क्वालिटी, वो कितनी ज़्यादा अच्छी आती है। आजकल मैं बहुत ज़्यादा बम्बल करने लगी हूँ, तो हाँ मेरी तरफ से हाँ, आप परचेस कर सकते हो, बहुत अफोर्डेबल है ये सारा स्टफ। लाइक देखो, एक ड्रेस, एक दो तीन चार पाँच छः सात सेवन आइटम्स मैंने 5000 में परचेस किए हैं, तो बहुत सही है, बहुत सही है यार, ठीक है। तो इसको रख देते हैं और बात करते हैं इसकी, ये वाला टॉप ना मुझे, ये न्यू अराइवल में था, और न्यू अराइवल लाइक न्यू में, इसमें लिखा आ रहा था कि ये न्यू में है, और आपने देखे होंगे मेरे अरबानी के रेड टॉप्स में मुझे बहुत ज्यादा प्यार है, क्योंकि इनका जो रेड शेड है ना वो इतना अल्टीमेट आता है ना, अभी भी अगर मैं इसका वेयर करूंगी ना ब्लैक जीन्स के साथ, जो ये मस्त लगने वाला है ना, बहुत सेक्सी लगने वाला है। और आप देखो इसमें कि है ना बहुत प्रिटी टॉप है, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इसका फ्रंट कौन सा है, इसका बैक कौन सा है, तो मैं इस चीज में कंफ्यूज हूँ, ये फ्रंट में थोड़ा सा डीप में आएगा या फिर बैक में डीप में आएगा, समझ नहीं आ रहा। बट ये टॉप बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, पॉलिएस्टर काइंड ऑफ मटेरियल मुझे इसका लग रहा है, और
ट्रस्ट मी बहुत सेक्सी टॉप होने वाला है, ब्लैक के साथ कितना सुंदर लगने वाला है, ट्राई करके देखना बहुत सही लगेगा। स्मॉल मेरा साइज है। हाँ, इसका प्राइस आप बोल सकते हो 790 अराउंड था, या हाँ 690, हाँ 690 अराउंड था इसका प्राइस, तो आपको ये 500 समथिंग में मिल जाएगा। नहीं तो ज़्यादा हो गया ना, 500 तो ज़्यादा हो गया, हाँ 630 आई गेस, हाँ 630 देख लेना आप, आपको मिल जाएगा। पर मैं बोलूँगी कि ट्राई करके देखना अगर आपको भी ऐसे टॉप्स पसंद है, और इनको ना आप बहुत तरह से स्टाइल कर सकते हो, वाइट शर्ट के साथ, वाइट हाई नेक के साथ, विंटर वाला नहीं समर वाला, विंटर में भी इसको मतलब ट्राई कर सकते हो अलग अलग लेयर्स के साथ में, आपको जैसे ठीक लगे। सो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, पसंद आई। बात कर लेते हैं अब लास्ट फाइनल, ये मैंने ना पैकेट खोल के भी नहीं देखे, मैंने कसम से मैंने एक भी टॉप का या फिर बैग का, बस हाँ ये बोल सकते कि मैंने एक फ़ोन केस देखा था क्योंकि मुझे उसका बहुत ज़्यादा वेट था, नहीं तो मैंने किसी का भी देखो पैकेट अब तक खोला भी नहीं है। और ये ड्रेस ना बहुत सारे शेड्स में मिल जाएगी आपको, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये ऑरेंज ऑरेंज सा लग रहा है मुझे, देखो इसका ये पूरा प्रॉपर ब्लड रेड है, ये थोड़ा सा ऑरेंज मतलब, पर ये सैटिन में है तो हो सकता है, पर ठीक है ट्राई करते हैं। तो ये ड्रेस ना मुझे बहुत टाइम से चाहिए थी यार, और अगर मैं आपको बताऊं तो मैं इस ड्रेस के लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रही थी, स्मॉल साइज में है, ओह माय गॉड यार ये लगने तो बहुत सुंदर वाली है लाइक, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका जो शेड है ना वो थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है मुझे, तो मैं बात करती हूँ उसकी। हाँ ठीक है, ओके ओके ओके, वैसे अगर देखी जाए तो काफ़ी सुंदर है ड्रेस। हाँ तो ये आपको पिक्चर दिख जाएगी और ट्रायल ऑन में दिख जाएगा, ट्रायल ऑन में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी ये किस तरह से बनी हुई है। तो इधर ना आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक बहुत प्यारा स्लेट मिल जाएगा, बहुत लॉन्ग में स्लेट है इसका, देन उसके बाद में आपको यहाँ पर एक बहुत सुंदर सा ना देखो एक सेकेंड, हाँ इधर कुछ पैटर्न किया हुआ है, देन उसके बाद में सो ये स्वीट हार्ट शेप में आपको मिल जाता है पूरा, बहुत प्रिटी है। और इसके ये स्ट्रिंग्स भी हैं जिसको आप ऐसे क्रिस क्रॉस करके एंड में यहाँ पर क्रिस क्रॉस वाला कुछ पैटर्न बनेगा, देखो अभी समझ में नहीं आएगा, मैं खुद समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको। हाँ ठीक है, ज़्यादा पीछे से बैकलेस नहीं होने वाला है, और मैं अगर इसमें वेयर करूँगी तो मैं अपनी ब्लैक वाली ट्यूब ही वेयर करूँगी, और पीछे से अगर विजिबल होती है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ का, क्योंकि उससे लुक भी अच्छा आएगा और ये सही से आ भी जाएगी। देन इसके बाद में अगर आप पीछे से देखोगे तो यहाँ पर आपको एक अच्छी सी है ना पूरी लंबी सी यहाँ पर आपको एक चेन मिल जाएगी, और उसके बाद आप इसको वेयर कर सकते हो, बहुत सुंदर है लगने को, तो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है ड्रेस, ट्राई करके देखें, ट्रायल में अगर आपको अच्छी लगती है तो ट्राई ज़रूर करना एक बार, और काफ़ी अच्छे अफोर्डेबल प्राइस में मिल रही थी तो मैंने परचेज कर ली। तो ये स्टफ मैं रिटर्न नहीं करूँगी बाय द वे, कोई कुछ भी इसमें से कुछ भी। तो लास्ट एंड फाइनल है ये बाथरोब, और ये मुझे पता नहीं क्यों चाहिए था, मैंने इसमें इतना पैसा क्यों इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि मुझे समझ में, और मैंने अभी तक एक भी रील, अगर आपने देखा हो तो मैंने एक भी रील नहीं डाली है कि मैं इसमें आपको पहन के दिखा पाऊँ कि हाँ मैंने ये परचेज किया, पहले मैंने ये परचेज किया था, देन इसके बाद मैंने ये परचेज किया है। तो इसमें ये मैंने पता नहीं क्यों परचेस कर लिया, मुझे पर बहुत अच्छा लगा, मेरा मन नहीं किया इसको वापस से रिटर्न करने का, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको परचेस कर लेते हैं। तो अब क्या होता है ना कि कभी कभी जैसे मैं वॉशरूम से आती हूँ शॉवर लेके, तो मैं इसको पहन के आती हूँ तो मुझे एक अच्छी सी फील आती है, बट ये मैंने अपने ट्राई ऑन्स के लिए रखा है, जैसे कि मैं जैसे व्हाट आई ऑर्डर वर्सेस व्हाट आई गॉट, या फिर रिटर्न और कीप वाला जो भी होता है ना शॉर्ट्स वगैरह, मैं उसके लिए इसको रखूँ मतलब शूट करने के लिए, और ये बहुत सही चीज़ है उसमें, क्योंकि ज़्यादा बार बार मुझे चेंज नहीं करना पड़ेगा। बट मैं फिर सोचती हूँ कि बस एक ही है, और फिर लोग ऐसे हैं कि बार बार कमेंट भी करते हैं कि तुम्हारे पास तो ये एक ही बाथरोब है, इसी को लगा के घूमती रहती हो, इसी में दिखा देती हो, तो इस वजह से मैंने अब तक कुछ भी शूट नहीं किया, बट डेफिनेटली मैं आगे जाके बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें शूट करने वाली हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए इन चीज़ों के लिए जो कि मेरे पास अभी नहीं है, और मैं बहुत मुश्किल से ये वीडियो भी मैं आज बना रही हूँ क्योंकि मैं बहुत टाइम से इनएक्टिव हूँ यूट्यूब पे, बहुत आपको दिख रहा होगा, मैं सिर्फ शॉर्ट्स वगैरह जो मैंने शेड्यूल किए हैं वो अपने आप अपलोड हो रहे हैं, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बट मैं अभी नहीं शूट कर रही हूँ कुछ भी, और मई 1st से मैं बिल्कुल अपना 100% देने वाली हूँ अगेन। तो हाँ तो ये मैंने परचेस किया था, ये फ्री साइज में है, इसमें आपको लॉन्ग स्लीव मिल जाएंगी, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग में है वैसे ये, और इसमें दोनों साइड पॉकेट्स हैं, एक रोप भी मिल जाती है इसमें आपको, ये पूरा वेलवेट में है, मतलब वेलवेट तो नहीं बोलूँगी, बहुत प्यारा सा फैब्रिक है यार, वो सॉफ्ट टॉय वाला फैब्रिक आता है ना
वो वाला फैब्रिक है, ये बहुत अच्छा है, तो ट्राई कर सकते हो अगर आपको करना है तो, अगर आपको जरूरत लगती है तो इसकी तो। बाकी अगर आप इन सबका स्टफ देखते हो तो डेफिनेटली मैं बोलूंगी कि आप ट्राई करना, क्योंकि बहुत अफोर्डेबल टॉप्स थे, और मुझे जरूर बताना अगर आपने इसमें से कुछ भी परचेज किया हो तो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड, बाय।